एग्जामिनेशन सर पर है, साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला, 30-35 दिन एग्ज़ाम में रह गए हैं। मम्मी पापा रोज़ सुना देते हैं फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही जाएगी, और अपना दिल कांपता है कि पास भी हो पाएंगे या नहीं, सारा साल तो पढ़े नहीं ढंग से, ऐसा ही है ना। तो स्टूडेंट्स, डरने की कोई बात नहीं है। मैं इस बार आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उन टिप्स की, जिन्हें फॉलो करके आप फर्स्ट डिवीज़न तो क्या 90% से ऊपर मार्क्स ले सकते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सुमन स्पीक्स में। अगर मेरे टिप्स पसंद आएँ तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि चैनल पर जब भी नई वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी यूट्यूबर्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, परंतु अपने बारे में मैं आपको इतना बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं लगातार मेरिट लिस्ट में आती रही हूँ, यूनिवर्सिटी में पोजिशंस आती रही हैं, और यूनिवर्सिटी टॉप करके यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल भी जीता है। कॉलेज में और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरशिप के अनुभव तथा एक लीडिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अपने प्रिंसिपलशिप के अनुभव पर आधारित हैं मेरे टिप्स। 100% रिजल्ट निकालने का अनुभव, टॉप करवाने का अनुभव, स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट में प्लेस करवाने का अनुभव। तो आइए स्टूडेंट्स, साल के बचे हुए 35 दिन में 90% से ऊपर मार्क्स लेने की स्ट्रेटजीज जानें। सबसे पहले तो अपने मन से ये निकाल दो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे, टॉपर्स का दिमाग आपसे ज़्यादा नहीं होता, फ़र्क सिर्फ इतना है कि दे हैव बर्नड मिडनाइट ऑयल, उन्होंने रातें जाग जाग कर मेहनत की है और आपने नहीं। जब आप सही दिशा में मेहनत करोगे तो आप भी टॉप के मार्क्स ले सकोगे। यू कैन, अपने कमरे की दीवार पर लिख लो आई कैन। दृढ़ निश्चय कर लो कि बाकी का समय पूरी कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता से पढ़ने में लगाना है। दिन में 24 घंटे से ज़्यादा का समय किसी के पास भी नहीं होता, इसी वक्त को हमने ठीक मैनेज करना है। चलो पहले टाइम मैनेजमेंट करते हैं। कितने दिन रह गए हैं? से 35। इन 35 दिनों को आप 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करो, 20, 7, 5 और 3। टोटल कितना हो गया? 35 दिन। अब एक दिन के 24 घंटों की डिवीज़न करते हैं। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ आपने बिल्कुल नहीं करना, रात को निश्चिंत होकर 7 घंटे की नींद लो। स्टूडेंट्स, एक्स कुल्हाड़ी जितनी तेज़ होगी उतने कम समय में ज़्यादा ट्रीज काटेगी। आपका एक्स आपका ब्रेन है, जितना फ्रेश रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा पढ़ पाओगे। पर ज़्यादा भी नहीं सोना, उससे टाइम तो वेस्ट होगा ही, सुस्ती भी आएगी। 7 घंटे की नींद और 3 घंटे बाकी सब कामों के लिए, खाना पीना, नहाना धोना वगैरह सब के लिए। तो आपके पास पढ़ने के लिए कितने घंटे बचे? 14। अब आप क्या करेंगे? रोज़ 10 घंटे पढ़ेंगे और 4 घंटे रिवीजन को देंगे। उसी दिन रिवाइज कर लेने से भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी, जो याद किया है वो पक्का हो जाएगा। 3 दिन बाद फिर रिवीजन करो और 7 दिन बाद फिर क्विक रिवीजन। अब है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। करना तो सिलेबस ही है ना, पर महत्वपूर्ण यह है कि कैसे। एक टेंशन पेपर ले लीजिए, अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस बदल गया है तो सैंपल पेपर्स जो आपके सब्जेक्ट टीचर ने रेफ़र किए हैं वो ले लीजिए। जिस भी बुक या रेफरेंस बुक या नोट्स में से आप सारा साल जो थोड़ा बहुत पढ़े हो उसमें वो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लिखकर टिक कर लीजिए जो टेंशन पेपर्स में आए हैं या सैंपल पेपर्स में हैं। पूरा सिलेबस करने से पहले आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कर लीजिए, इससे मोर और लेस आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और प्रॉबेबल क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। सिक्योर फुटिंग पर होने के बाद आपने टेक्स्ट बुक्स ज़रूर कवर करनी है, NCERT या जो भी स्टेट बोर्ड ने लगवाई हैं। रिवीजन और रिवीजन के साथ आप 20 दिन ये तैयारी कीजिए। आप सोच रहे होंगे ऐसे तो हमारी ज़िंदगी मशीन बन जाएगी। अरे नहीं, हम काम तो करेंगे पर प्ले वे तरीके से। 1 घंटे की सिटिंग के बाद अपने आप को 5 मिनट का गिफ्ट दीजिए।
चाहे कोई मनपसंद सॉन्ग सुन लीजिए या इधर उधर घूम लीजिए घर में ही, या डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर उन 3 घंटों में से जो हमने नींद व पढ़ाई के अलावा बाकी कामों के लिए रखे थे में 10 मिनट योगा रोज़ कर लेते हैं तो आप तनाव मुक्त भी रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे। दिन में 4-5 बार पानी के छींटे मुंह पर ज़रूर मारें, ना थकावट होगी, ना बोर्डम होगी, ना तनाव होगा। इस तरह 20 दिन में आप अपना सिलेबस पूरा कवर कर लें। नेक्स्ट 7 डेज आपने किए हुए सिलेबस को रिवाइज़ करना है, यह क्विक रिविज़न होगी। 5 दिन हमने रखे थे, अगर किसी सब्जेक्ट को कुछ अधिक समय देना पड़ता है या किसी अनअवॉइडेबल रीज़न से आप पढ़ नहीं पाए किसी दिन या कुछ घंटे, तो वक्त रहे आपके पास छूटा हुआ काम कवर करने के लिए। पर अच्छा यही है कि ये 5 दिन भी आप पढ़ाई में ही लगाएं। बाकी बचे 3 दिन, ये 3 दिन हमने पहले पेपर के लिए रखे हैं। पहले से ही डन, रिवाइज्ड एंड रीरिवाइज्ड सिलेबस जब आप 3 दिन में फिर करेंगे तो देखना कितना शानदार पेपर करके आओगे। नाउ बोनस टिप्स फॉर गुड प्रेपरेशन। पढ़ते हुए मेन पॉइंट्स, डेट्स वगैरह हाईलाइट करें। हर क्वेश्चन के पॉइंट्स लिख कर याद करें, बार बार रिवाइज करें। जो स्पेलिंग आप गलत कर सकते हैं उन्हें भी लिखकर याद करें। पेपर का फ्लॉलेस होना बहुत ज़रूरी है। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट से आपका पेपर बढ़िया पेपर्स की श्रेणी में आ जाएगा। गलत स्पेलिंग आपके मार्क्स कटवा देते हैं। मैथमेटिक्स के लिए गोल्डन फार्मूला है, डू ऑल द एग्जाम्पल्स, कम से कम सारे उदाहरण अवश्य करने हैं। सम्स उनमें से या उन जैसे ही आते हैं मोस्टली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ और हो या ना हो, 10-ईयर पेपर्स तो हर हाल में आपने करके ही जाने हैं। और सबसे बड़ी बात, भूल जाओ सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ होती है दुनिया में। सिर्फ एग्जामिनेशन ख़त्म होने तक नो टीवी, नो सोशल मीडिया, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो गॉसिप विद फ्रेंड्स, यहाँ तक ग्रुप में पढ़ना भी नहीं। मछली की आंख पर फोकस रखो, एग्ज़ाम और प्लैंड हार्डवर्क। सोशल मीडिया फ्रेंड्स कहीं नहीं जाएंगे, सब यहीं रहेंगे। पर हाँ, कड़वा है पर सच है, अगर आप गॉड फॉरबिड फेल हो गए तो सब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में और आप वहीं। फिर तो साल भी गया, पैसा भी गया जो फीसों पर लगाया है, और फ्रेंड्स भी गए। सो स्टूडेंट्स, निश्चय कर लो कि 90% से अबव मार्क्स लेने हैं हर हाल में। और आज से ही नोट करो, कल से नहीं, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। अंडरलाइन करो, आज से, अभी से टाइम टेबल बनाओ और जुट जाओ। अगर इन टिप्स पर अमल करोगे तो एग्ज़ाम में जीत कर ही आओगे। फोकस रखो, मेहनत करो, अपने तथा अपनों के लिए मनोहर संसार की रचना करो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आगे आप कैसी वीडियो देखना पसंद करेंगे, किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।